खामनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत राहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी मिनल चौधरी, पाहूया काही ठळक वृत्त। जामनेर शहरात हजी सय्यद करीम वेलफेअर सोसायटी यांच्यातर्फे मोफत शिवण क्लास प्रशिक्षण घेतलेल्या 30 महिलांना आज माजी मंत्री गिरीश महाजन यांच्या हस्ते प्रमाणपत्राचे वाटप करण्यात आले। या प्रसंगी जामनेर नगर परिषदेचे नगरसेवक तसेच मुस्लिम बांधवांसह महिला भगिनी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। शिवण क्लास का प्रशिक्षण यहाँ पर दिया गया है। मैं बहुत बहुत अभिनंदन करूंगा इस क्लास का। एक अच्छा कार्यक्रम उन्होंने महिलाओं के लिए हमारे बुक में शिवण क्लास का प्रशिक्षण यहाँ पर दिया गया है। मैं बहुत बहुत अभिनंदन करूंगा इस क्लास का। एक अच्छा कार्यक्रम उन्होंने महिलाओं के लिए, हमारे बहनों के लिए, बच्चों के लिए यहाँ पर लिया है। करीब करीब 30 जो लेडीज है, हमारी बहनें हैं, उनको ये ट्रेनिंग यहाँ पर दिया गया है। हम लोग आजकल देखते हैं कि खुद के पैर के ऊपर अगर खड़ा रहना है तो हर एक महिला हो, पुरुष हो, युवा हो, सभी को एक प्रॉब्लम है कि हम क्या करें, रोजगार कैसे तैयार करें। और इसलिए सबके सामने आजकल ये एक बड़ा सवाल पैदा हुआ है कि भाई खुद के पैरों के ऊपर खड़ा रहने के लिए हम क्या करें, हमारी रोज की आमदनी कैसे तैयार करें। तो इसके लिए मुझे लगता है कि सोसाइटी ने जो उपक्रम किया है, जो महिलाओं को प्रशिक्षण दिया है, कितने दिन का प्रशिक्षण दिया है? 3 महीने। 3 महीने का मतलब आप पूरे ट्रेन होकर अभी अपनी मशीन लेकर आज अपना काम यहाँ पर कर सकते हैं, अपना रोजगार यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। और अपना घर चलाने के लिए जो खर्चा लगता है उसको अपने घर के मर्दों के साथ में उसमें भी अपन शेयर कर सकते हैं। बच्चों की परवरिश के लिए आजकल कितना खर्चा लगता है आप सभी को पता है। और इसलिए मुझे ऐसे लगता है कि इस ट्रेनिंग के तहत एक अच्छा काम इस सोसाइटी ने यहाँ पर किया है। आज हम लोग देख रहे हैं गांव में जो प्रगति हो रही है, उन्नति हो रही है। पहले यहाँ की परिस्थिति क्या थी, आज कितनी बदल चुकी है, कैसे बदल रही है। गटर के काम से कहूँगा, नाली के काम से कहूँगा, पीने के पानी की व्यवस्था है, लाइट की व्यवस्था है, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था है, रोड से सभी काम। पहले पानी कितना गंदा आता था, 3-4 साल से अपन ने पूरा फिल्टर वाटर आपको दिया है। एक दिन आ रहे अल्टरनेट डे अपन पानी यहाँ पर दे रहे हैं, 12 ही महीने दे रहे हैं। सभी व्यवस्था धीरे धीरे बदल रही है और इसी के साथ में शहर का चेहरा बदल रहा है। और मुझे ये लगता है कि इसी के साथ में अगर जो युवा है, ये महिला है, हमारी बहनें हैं, इनके हाथ को अगर काम मिलता है तो मुझे लगता है कि ये सबसे बेहतर होगा। आज MIDC का अपना प्रस्ताव है, 2000 एकड़ में MIDC यहाँ बन रही है। मुझे लगता है इस हफ्ते में किसानों को पैसे भी मिल जाएंगे, उसकी भी ऑर्डर आ चुकी है। पहले 500 एकड़ ज़मीन जिस पर पूरा काम हो चुका है, 60 करोड़ रुपये की वाटर सप्लाई स्कीम का काम आधे से ज़्यादा वहाँ पर हो गया है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है। 2000 एकड़ में अगर इंडस्ट्री आती है तो जलगांव से भी बड़ी इंडस्ट्री अपनी यहाँ पर बनेगी, MIDC अपनी यहाँ पर बनेगी और उसके तहत लोगों को काम मिलेगा। जो युवा है हमारे, जो हमारी बहनें हैं, उनको भी बहुत सारे काम उसके जरिए यहाँ पर मिल सकते हैं। तो इसीलिए आज जो सबसे ज़रूरत इस बात की है, जो रोजगार का सवाल सबके सामने पैदा है, सबके सामने खड़ा है, तो वो धीरे धीरे कम करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। और इसी के तहत आज गरीब सोसाइटी ने ये जो कार्यक्रम यहाँ पर लिया है, 3 महीने से जो मेहनत कर रहे हैं हमारे एक पत्रकार भाई लियाकत भाई यहाँ पर है, एक अच्छा सोशल व्यू सामने रखकर उन्होंने ये काम यहाँ पर किया है।
ये 30 हो गए, वापस अगली बैच अपन लो। नहीं हो गई, शुरू नहीं कल से एडमिशन के लिए। मुझे लगता है टेलरिंग काम भी एक अच्छा काम है, घर में बैठे बैठे अपन एक अच्छा काम कर सकते हैं, अच्छा रोजगार तैयार कर सकते हैं, अच्छे पैसे कमा सकते हैं, इसमें हमारे घर का बच्चों का गुजारा भी अच्छी तरह से हो सकता है। तो मुझे लगता है अगली बैच भी अगर अपन ट्रेन करें कंटिन्यू, क्योंकि आजकल टेलर की कितनी कमी है मुझे पता है, तो इसलिए मुझे लगता है अगर ये कंटिन्यूशन में रहा तो एक अच्छी टीम महिलाओं की यहाँ पर तैयार होगी। मशीन के बारे में भी अपन सोचो कि इनको कैसे मदद कर, जो मशीन नहीं ले सकते हैं खुद के पैसे से, अगर ऐसे भी कोई क्लास है जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है तो उनके लिए भी अगर कुछ कर सकते हैं हम लोग तो उसमें भी जरूर सोचना चाहिए, उसके लिए भी हम लोग कुछ प्रावधान करेंगे। कैसे ना कैसे करेंगे, गवर्नमेंट से करेंगे, नहीं गवर्नमेंट के मार्फत ही होंगे वो, CSR के माध्यम से करेंगे, जो भी है हम बैठ के उसमें बात करेंगे। लेकिन आपको मशीन देने की व्यवस्था भी मुझे लगता है जिनकी परिस्थिति नहीं है उनको हम लोग जरूर करेंगे, उसके बारे में हम लोग जरूर सोचेंगे। मैं बहुत बहुत फिर से बधाई दूंगा फ्री वेलफेयर सोसाइटी को, अमर लियाकत भाई को, उनकी सारी टीम जो यहाँ पर है, एक अच्छी कोशिश उन्होंने की है, अच्छी मेहनत उन्होंने की है और एक रोजगार तैयार करने का अच्छा काम उन्होंने महिलाओं के लिए यहाँ पर किया। फिर से बहुत बहुत आपको धन्यवाद भी देता हूँ और आपका अभिनंदन भी करता हूँ, मुझे हम लोग सब लोगों को यहाँ पर बुलाया, इसलिए आपका फिर से धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। पुन्हा भेटू, तोपर्यंत पाहत रहा JBN महाराष्ट्र न्यूज, नमस्कार।